कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें या जेपी के समर्थकों की बात करें, उनका जोश जज्बा जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम वो जो लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पर जेपी को मजबूती दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें अलग अलग नेताओं की, योगेंद्र योगी की हांसी से रणदीप लोहान की बात करें, अनिल मान की बात करें, प्रेम सिंह मलिक हांसी की बात करें, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल की बात करें, रामकिशन फौजी की बात करें, डॉक्टर कुलवंत मोर, वीरेंद्र घोगड़िया, सतबीर रतेरा, दिलबाग ढांडा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा पूर्व विधायक, वहीं रामनिवास घोड़ेला, प्रोफेसर संपत सिंह शमशेर मलिक, राजकुमार ठाकरिया, राजेंद्र सूरा, सुरेंद्र पंघाल, सितेंद्र सहान प्रधान, योगेश सिहाग, राममेहर पेठवार, रामकिशन फौजी, नरेश ढांडा, सुमन शर्मा, राजेश कासनिया, सुदेश यादव, जिला पार्षद यादवेंद्र यादव, कृष्ण तिवारी, सुभाष गोयल, नितेश शर्मा, मंदीप भाटोल, सुनील नारू सहित तमाम वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो जयप्रकाश के समर्थन में, जयप्रकाश के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब की बार कांग्रेस में हाथ को मजबूती वो दिलाएंगे, हिसार में जयप्रकाश को जीत दिलाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जयप्रकाश उर्फ जेपी का परिणाम क्या कुछ रहता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगातार जो चुनाव लड़ने की बात आती है तो जयप्रकाश हमेशा अच्छा चुनाव लड़ने में माहिर माने जाते हैं। कहीं पे भी उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो वो एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में हमेशा अपने आप को साबित करने में सफल साबित हुए हैं। और यहाँ हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार लोकसभा सीट के ऊपर वो लगातार 3 बार सांसद का चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं। जी हाँ, हम एक बार फिर हम आपको बता दें कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर एक मंच पर एक ही गाड़ी में इकट्ठे होकर, जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, लेकिन आज जयप्रकाश के इस काफिले ने दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, तमाम नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। जी हाँ, ये देखिए, योगेंद्र योगी, रणदीप लोहान, अनिल मान, प्रेम मलिक, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, रामकिशन फौजी, डॉक्टर कुलवंत मोर, वीरेंद्र घोगड़िया, सतबीर रतेरा, दिलबाग ढांडा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा, रामनिवास घोड़ेला, प्रोफेसर संपत सिंह, शमशेर मलिक, राजकुमार ठाकरिया, राजेंद्र सूरा, सुरेंद्र पंघाल, सितेंद्र सहान प्रधान, योगेश सिहाग, राममेहर पेठवार, रामकिशन फौजी, नरेश ढांडा, सुमन शर्मा, राजेश कासनिया, सुदेश यादव, जिला पार्षद यादवेंद्र यादव, कृष्ण तिवारी, सुभाष गोयल, नितेश शर्मा, मंदीप भाटोल, सुनील नारू सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एक ही मंच पर आकर यहाँ पर जेपी को समर्थन देते हुए उनके पक्ष में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। और ये तो पहला ही दिन है, जब ट्रेलर ही इतना खतरनाक है तो जरा सोचिए पिक्चर कैसी होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो हिसार में चुनावी समीकरण को बदलने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो थोड़ा बहुत बदलाव करने में सफल भी साबित हुई है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जयप्रकाश उर्फ जेपी को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो उसके बाद हिसार की राजनीति में तड़का लग गया है। तमाम जो राजनेता हैं वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हिसार का जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा रोचक बन गया है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। जी हाँ, जयप्रकाश उर्फ जेपी का काफिला देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष की सांसें थमती हुई नजर आ रही हैं। लगातार गाड़ियों पे गाड़ियां, ये देखिए, जहां तक हम कैमरे की नजर पहुंचा पा रहे हैं, जहां तक बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लगातार गाड़ियों का इतना भारी काफिला है, लगता है कि आज शायद पूरा शहर जो है वो जाम हो जाएगा। जी हाँ, अभी तो ये काफिला आधा रास्ता भी कवर नहीं कर पाया है, लेकिन उससे पहले ही पूरा शहर यहां पर जाम होता हुआ नजर आ रहा है। और जयप्रकाश की बात करें या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम छोटे बड़े नेता
एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं जयप्रकाश के चुनाव में। जी हां, तमाम वो नेता जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट लेना चाहते हैं, अपने आप को टिकटार्थी दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एडी चोटी तक का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जयप्रकाश के चारों तरफ टिकटार्थी ही टिकटार्थी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी सारे आम कार्यकर्ता भी इस गाड़ी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यही वजह है कि जयप्रकाश कितने मजबूत उम्मीदवार है। इस गाड़ी के अंदर ठूस ठूस कर ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भरा गया हो। लेकिन हम आपको बता दें कि ये गाड़ी के अंदर जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो नेता नजर आ रहे हैं, वो जेपी के प्रति उनका प्यार है, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी आस्था है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आदेश है उसी आदेश को ये मानते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ मिलकर अब की बार 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे कुमारी सलजा की बात हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात हो, किरण चौधरी की बात हो, या तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो तमाम नेता यहां पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखिए, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है चारों तरफ पूरा रोड जो है वो खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां जेपी के समर्थन में नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, भले ही तपती दोपहर हो, कितना ही ज्यादा तापमान हो, आमतौर पर इस तपती दोपहर में आदमी व्यक्ति जब खड़ा भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें या जेपी के समर्थकों की बात करें, उनका जोश जज्बा जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम वो जो लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पर जेपी को मजबूती दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें अलग अलग नेताओं की, योगेंद्र योगी की हांसी से रणदीप लोहान की बात करें, अनिल मान की बात करें, प्रेम सिंह मलिक हांसी की बात करें, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल की बात करें, रामकिशन फौजी की बात करें, डॉक्टर कुलवंत मोर, वीरेंद्र घोगड़िया, सतबीर रतेरा, दिलबाग ढांडा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा पूर्व विधायक, वहीं रामनिवास घोड़ेला, प्रोफेसर संपत सिंह शमशेर मलिक, राजकुमार ठाकरिया, राजेंद्र सूरा, सुरेंद्र पंघाल, सितेंद्र सहान प्रधान, योगेश सिहाग, राममेहर पेठवार, रामकिशन फौजी, नरेश ढांडा, सुमन शर्मा, राजेश कासनिया, सुदेश यादव, जिला पार्षद यादवेंद्र यादव, कृष्ण तिवारी, सुभाष गोयल, नितेश शर्मा, मंदीप भाटोल, सुनील नारू सहित तमाम वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो जयप्रकाश के समर्थन में, जयप्रकाश के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब की बार कांग्रेस में हाथ को मजबूती वो दिलाएंगे, हिसार में जयप्रकाश को जीत दिलाएंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जयप्रकाश उर्फ जेपी का परिणाम क्या कुछ रहता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि लगातार जो चुनाव लड़ने की बात आती है तो जयप्रकाश हमेशा अच्छा चुनाव लड़ने में माहिर माने जाते हैं। कहीं पे भी उनको चुनावी मैदान में उतार दिया जाए तो वो एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में हमेशा अपने आप को साबित करने में सफल साबित हुए हैं। और यहाँ हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार लोकसभा सीट के ऊपर वो लगातार 3 बार सांसद का चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं। जी हाँ, हम एक बार फिर हम आपको बता दें कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर एक मंच पर एक ही गाड़ी में इकट्ठे होकर, जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी धड़ों में बटी हुई है, लेकिन आज जयप्रकाश के इस काफिले ने दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, तमाम नेताओं में कोई मतभेद नहीं है। जी हाँ, ये देखिए, योगेंद्र योगी, रणदीप लोहान, अनिल मान, प्रेम मलिक, पूर्व विधायक नरेश सिलवाल, रामकिशन फौजी, डॉक्टर कुलवंत मोर, वीरेंद्र घोगड़िया, सतबीर रतेरा, दिलबाग ढांडा, प्रोफेसर राम भगत शर्मा, रामनिवास घोड़ेला, प्रोफेसर संपत सिंह, शमशेर मलिक, राजकुमार
ठाकरिया, राजेंद्र सूरा, सुरेंद्र पंघाल, सितेंद्र सहारण प्रधान, योगेश सिहाग, राममेहर पेचुआ, रामकिशन फौजी, नरेश ढांडा, सुमन शर्मा, राजेश कासनिया, सुदेश यादव, जिला पार्षद यादवेंद्र यादव, कृष्ण तिवारी, सुभाष गोयल, नितेश शर्मा, मनदीप भाटोल, सुनील नारू सहित तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो एक ही मंच पर आकर यहाँ पर जेपी को समर्थन देते हुए उनके पक्ष में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। और ये तो पहला ही दिन है, जब ट्रेलर ही इतना खतरनाक है तो जरा सोचिए पिक्चर कैसी होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो हिसार में चुनावी समीकरण को बदलने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो थोड़ा बहुत बदलाव करने में सफल भी साबित हुए हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जयप्रकाश उर्फ जेपी को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो उसके बाद हिसार की राजनीति में तड़का लग गया है। तमाम जो राजनेता हैं वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हिसार का जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा रोचक बन गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। जी हां, जयप्रकाश उर्फ जेपी का काफिला देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष की सांसें थमती हुई नजर आ रही हैं। लगातार गाड़ियों पे गाड़ियां, ये देखिए जहां तक हम कैमरे की नजर पहुंचा पा रहे हैं, जहां तक बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लगातार गाड़ियों का इतना भारी काफिला है, लगता है कि आज शायद पूरा शहर जो है वो जाम हो जाएगा। जी हाँ, अभी तो ये काफिला आधा रास्ता भी कवर नहीं कर पाया है, लेकिन उससे पहले ही पूरा शहर यहां पर जाम होता हुआ नजर आ रहा है। और जयप्रकाश की बात करें या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम छोटे बड़े नेता एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं जयप्रकाश के चुनाव में। जी हाँ, तमाम वो नेता जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट लेना चाहते हैं, अपने आप को टिकटार्थी दिखाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एडी चोटी तक का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जयप्रकाश के चारों तरफ टिकटार्थी ही टिकटार्थी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि काफी सारे आम कार्यकर्ता भी इस गाड़ी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यही वजह है कि जयप्रकाश कितने मजबूत उम्मीदवार है। इस गाड़ी के अंदर ठूस ठूस कर ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भरा गया हो। लेकिन हम आपको बता दें कि ये गाड़ी के अंदर जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो नेता नजर आ रहे हैं वो जेपी के प्रति उनका प्यार है, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी आस्था है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आदेश है उसी आदेश को ये मानते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ मिलकर अब की बार 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे कुमारी सलजा की बात हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात हो, किरण चौधरी की बात हो, या तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो तमाम नेता यहां पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखिए बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है चारों तरफ पूरा रोड जो है वो खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां जेपी के समर्थन में नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, भले ही तपती दोपहर हो, कितना ही ज्यादा तापमान हो, आमतौर पर इस तपती दोपहर में आदमी व्यक्ति जब खड़ा भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की बात करें या जेपी के समर्थकों की बात करें, उनका जोश जज्बा जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम वो जो लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी यहां पर जेपी को मजबूती दिलाते हुए नजर आ रहे हैं।